वेलकम टू साइंस एंड फन। सो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज लेकर आई हूँ मैं आप सबका पसंदीदा इंस्ट्रूमेंट, दैट इज अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। फाइनली हमारे पास ये माइक्रोस्कोप आ गया है, जिसके बाद अब हम लोग बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स और प्रैक्टिकल्स करने वाले हैं। सो ध्यान से देखिए इस माइक्रोस्कोप को। मैं इसे फटाफट से आप लोगों को इसके सारे पार्ट्स के बारे में जल्दी जल्दी बता दूंगी, ताकि आप लोगों को पहले क्लियर हो जाए कि ये है क्या चीज और कैसे इसे यूज की जाती है, ताकि जब भी इन फ्यूचर आपको कभी भी माइक्रोस्कोप लेने का मन करे तो आपको इसके एडजस्टमेंट्स में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आए। स्टार्टिंग फ्रॉम द बॉटम, इस पर्टिकुलर रीजन को हम बेस कहते हैं, जहां पर ये किसी भी टेबल में किसी भी सर्फेस पे टिका हुआ रहता है। उसके बाद जब हम इस पोर्शन की बात करते हैं तो इसे हम हैंडल कह रहे होते हैं। ये एडजस्टेबल होता है, जिसको आप किसी भी तरीके से एडजस्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड। अब अगर हैंडल के अलावा या फिर आर्म के अलावा हम दूसरे किसी पार्ट के बारे में बात करें, तो दिस इज द लेंस, दिस इज द मिरर। इसे इस तरफ फिक्स किया जाता है ताकि सन का रे जो है वो डायरेक्टली यहाँ पर आकर डिफ्लेक्ट करे और आपके इस ऑब्जेक्ट को अच्छी तरीके से क्लेरिफाई करके दिखाए, आपके स्लाइड को अच्छी तरीके से क्लेरिफाई करके दिखाए। सिंस यहाँ पर इस कमरे के अंदर हमारे पास सनलाइट प्रेजेंट नहीं है, इसके पास एक एलईडी लाइट होती है जिसे हम आसानी से ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। यू कैन सी द लाइट ओवर हियर, एंड आसानी से हम इसे इसके होल के अंदर एडजस्ट कर लेंगे। एंड व्हेन वी विल टर्न ऑन द लाइट, यू कैन सी कि इसके लेंस पे ये लाइट डिफ्लेक्ट कर रही है। बहुत ही आसानी से हम कोई भी स्लाइड उठाकर इसके अंदर रख के इसे एडजस्ट करके इस स्लाइड को, इसके बारे में सारी चीजें, सारी इंफॉर्मेशन हम देख सकते हैं। इस वाले पोर्शन को बेस बोला जाता है, जहां पे प्लेटफॉर्म बोला जाता है, जहां पर ये स्लाइड रखी हुई होती है। अब स्लाइड इधर उधर खिसक ना जाए, इसीलिए हम क्लिप का यूज करते हैं ताकि वो एक जगह पर टिकी रहे। उसके अलावा दिस पोर्शन इज नोन एज फोर्स एडजस्टमेंट, और इसको हम फाइन एडजस्टमेंट बोलते हैं। जब हमें बहुत ही तेजी से एडजस्टेबल लेंस को ऊपर नीचे करके एडजस्ट करना पड़ता है तो कोर्स एडजस्टमेंट की यूज की जाती है। जब हमें बहुत ही फाइन प्रोपोर्शन चाहिए उस पर्टिकुलर इमेज का, तो हम उसे फाइन एडजस्टमेंट से यूज करते हैं। इस वाले पोर्शन को स्विवल बोला जाता है, एंड द लास्ट पोर्शन जो कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, उसे हम कहते हैं आईपीस। आईपीस को इस तरह से लगाकर जब आप अपने आंखों से स्लाइड को देखोगे तो आपके आंखों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिकॉज यहाँ पर रबर की कोटिंग प्रेजेंट होती है। तो ये पूरा का पूरा सेटअप रेडी है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। आप आसानी से इस एलईडी लाइट को एडजस्ट कर सकते हो कोर्स एडजस्टमेंट और फाइन एडजस्टमेंट करके, इस पर्टिकुलर स्लाइड के अंदर के सारे इंफॉर्मेशन को अच्छे तरीके से रिकॉग्नाइज कर सकते हो थ्रू द आईपीस, जैसे कि मैं अभी कर पा रही हूँ। तो यहाँ पे आप एक स्लाइड का व्यू देख सकते हो। ये एक तरह की सेल है जो हमारी बॉडी में पाई जाती है। अब ये कौन सी सेल है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा किस तरह की सेल है। मैं आपको चलो हिंट भी दे देती हूँ, ये टिश्यू है जो हमारी बॉडी में पाई जाती है और हमारे मूवमेंट्स के लिए बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। तो आप कमेंट करके बताओ कि व्हाट काइंड ऑफ टिश्यू दिस इज जो मैं आपको शो कर रही हूँ इस स्लाइड। थैंक यू सो मच बच्चों, ये था डेमोन्स्ट्रेशन कि हाउ टू यूज अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड हाउ टू सेट अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड इट्स पार्ट्स।